हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन IBPS क्लर्क प्री 2016 के लिए, तो इसमें मेमोरी बेस्ड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि को एग्ज़ाम में 26 और 27 तारीख को पूछे गए। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या और हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इससे पहले नंबर सीरीज़ का मैंने वीडियो बनाया है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। 27 1/2 प्लस 15 3/4 माइनस 12 2/4 प्लस 18 4/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं एक बेसिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 12 1/2 है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 12 + 1/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 12 + 1/2। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, तो पहले जो प्लस वाले हैं तो इनको आप ऐड कर लें। ठीक है, 27 + 15 + 18 इसको ऐड कर लें। ठीक है, 27 में ऐड करेंगे 15 को, तो यहाँ से प्लस 5 करेंगे तो 32, प्लस 10 करेंगे तो 42। ठीक है, और 42 अब माइनस करना है 12, तो 42 में माइनस 12 करेंगे तो 30 और प्लस कर दें आप 18, तो आपका आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये आ गया आपका 48 प्लस। अब फ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, अब फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2, ठीक है, 1/2 बचा प्लस 3/4 बचा, ठीक है, माइनस बचा 2/5, ठीक है, प्लस बचा 4/5, ठीक है, प्लस बचा 4/5। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 हैं, ठीक है, 2 और 4 हैं और 5 है नीचे, इन दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा प्लस 2/5। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 6 10 upon 8, फिर आप डिवाइड करेंगे तो 5 upon 10 upon 8 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 upon 4 प्लस का, ठीक, यहाँ से आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 और 8 33 upon 20, यहाँ से निकल के आएगा 33 upon 20। ठीक है, और आपका है 48। ठीक है, तो 48 33 upon 20। ठीक है, तो ये एक 33 है, तो यहाँ से प्लस 1 और ऐड हो जाएगा तो 49 बचेगा 13 upon 20। ठीक है, तो 49 13 upon 20 ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये मैंने लिखा और आपको बताया इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया। आपको डायरेक्टली सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये सारे पार्ट पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है इस पार्ट पे, देन फिर फ्रैक्शन का आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करें, बाकी जो जितना एक्स्ट्रा बचा है जैसे 20 20 + 13। ठीक है, तो 20 upon 20 1 ऐड हो जाएगा इसमें तो 49 आ जाएगा, और बचा क्या 13 upon 20, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं सेम टाइप का। तो 13 3/4 प्लस 17 2/7 31 1/4 प्लस 15 5/7 12 2/3। ठीक है, तो सारा ऐड है। ठीक है, तो ऐड करेंगे 13 में 70 30, ठीक है, 61, ठीक है, 15 ऐड करेंगे 61 में, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 76 ऐड करेंगे 76 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 88। ठीक है, तो पहले तो ये वाला पार्ट ऐड कर लिया सबका, ठीक है, ऐड कर लिया ये पार्ट। अब बचा फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है, 3/4 2/7 1/4 5/7 2/3, तो 3/4 1/4, ठीक है, 1 + 1 4 4/4 1, ठीक है, 2/7 5/7, तो 2 + 5 7 7/7 फिर प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया ये, ठीक है, ये हुआ है, ये हुआ है। अब बचा क्या, 2/3, ठीक है, 2/3 +1 + 1, तो ये हुआ है 90 90 + 2/3, तो इसको क्या लिखेंगे, 90 2/3, ठीक है, 90 2/3। ये मैंने इतना लिख के आपको बता दिया, ये बिल्कुल लिखने का नहीं था।
ठीक है, ये मैंने इतना लिखा, आपको इतना अभी नहीं लिखना, आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना है, तभी आप क्वेश्चन 8 से 10 मिनट में 15 क्वेश्चन कर पाएंगे सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, तो सिंपली पहले आपको ये सारी वैल्यूज़ ऐड कर देनी है, उसके बाद फ्रैक्शन पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, 30% ऑफ 270 प्लस क्वेश्चन मार्क अपॉन 15 इक्वल टू 90। ठीक है, तो सबसे पहले तो 30% मतलब 30 अपॉन 100 ऑफ मतलब इंटू 270 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स अपॉन 15 इक्वल टू 90। ये मैंने लिखा, अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, बट ये लिखना नहीं है आपको, बिना लिखे आपको कैलकुलेशन जितना माइंड में करेंगे और जितना कम लिखेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, 3 का 27 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से आपको 81 मिलता है। ठीक है, एक्स अपॉन 15 इक्वल टू 90। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है, 81 यहाँ जाएगा तो 9 बचेगा और फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15 से, तो 15 इंटू 9 आ जाएगा 135, 15 इंटू 9 आ जाएगा 135। अब देखें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 30% ऑफ 270, तो 30%, ठीक है, तो 10% क्या होता है 1/10, 30 क्या हुआ 3/10। ठीक है, 10 है नीचे तो 0 कट जाएगा 10 से, तो 3 इंटू 27 करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 को यहाँ पे ले जाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लिकेशन 15 में करेंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है लिखना कम है, जितना हो मेंटली आपको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन, तभी आप फास्ट कर पाएंगे। अब बात करें इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो था 131.5 प्लस 69 माइनस 78 इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको देखें सबसे पहले, तो ये अगर माइनस करते हैं आप, ठीक है, माइनस करते हैं तो यहाँ से आपका आता है -9। ठीक है, -9, वो -9 131 में से कर दें आप, 131.5 में से, तो 0.5 तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ से आपको 122.5 मिल जाता है और ये है आपका 2.5 इंटू एक्स। ठीक है, आप इसको नीचे ले जाएं तो 1225 अपॉन 25। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट एक से हट जाएगा। ठीक है, फोर टाइम्स में, ठीक है, फोर टाइम्स कितना हो जाएगा 100 और 225 बचेगा तो ये 9 टाइम्स में आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाता है आपका 49। ठीक है, तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है सिंप्लीफिकेशन में, और जितना बेसिक पे ध्यान देंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन आपको कम समय में करना है, तो जो कैलकुलेशन है जैसे ये कैलकुलेशन, ये माइंड में माइनस, ये -9 बचा, -9 को 31 में से करेंगे। ठीक है, तो ये 122.5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था 80% ऑफ 72 इंटू 0.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 72 इंटू 0.5, ठीक है, 80% ऑफ 72, ठीक है, तो 0.5 का मल्टीप्लिकेशन 72, मतलब 72 का आधा, ये कितना हुआ 36। ठीक है, 72 का आधा 36, 80% ऑफ 80% मतलब 8 अपॉन 10। ठीक है, तो 36 इंटू 8 करेंगे 288 अपॉन 10, तो 28.8। ठीक है, बेसिकली ये 8 अपॉन 10 मैंने कैसे लिख दिया, मैंने बोला था कि आपको परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 10% क्या होता है 1/10। ठीक है, तो 80% क्या होगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8/10, या तो आप 8/10 लिखें या फिर आप 80% क्या होता है 80 अपॉन 100 लिखें, फिर 72 लिखें, ठीक है, फिर 0.5 लिखें, तो ये पूरा आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, तो जितना कम लिखें उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको बेसिक्स पता होंगे सिंप्लीफिकेशन में, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना कम आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखें कम ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 144-2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, तो 1444, ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक भी आपको पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, स्क्वायर रूट हुआ, क्यू रूट हुआ, ठीक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं, या फिर एडिशन किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1441,
किसी भी नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 कब होगी? जब वो 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4 या फिर 8 का स्क्वायर होगा तो भी 64। अब बात करें 14 की, ठीक है, तो 14 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा 16, तो लेंगे 3, ठीक है, 3 इंटू 4 था 12, ठीक है, ये वैल्यू 12 से बड़ी है तो क्या लेंगे, बड़ा वाला, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 38 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 38 स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये 36 आ जाएगा, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं लिए, बट मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो जो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको आएंगे, सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 8 से 10 मिनट के अंदर करने हैं, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन 8 से 10 मिनट के अंदर आप बना भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, तो आपको सारे बेसिक आने चाहिए, बोर्ड मास रूल आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्वायर कैसे निकालें, क्यू कैसे निकालें, स्क्वायर रूट कैसे निकालें, क्यू रूट कैसे निकालें, ठीक है, परसेंटेज के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो 15 के 15 क्वेश्चन में से आप 13 से लेकर 15 तक कर सकते हैं, सारे 15 भी कर सकते हैं, बट 13 अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन 13 थोड़ा ज़्यादा हो तो उसको स्किप करके आगे जो इजी क्वेश्चन है उनको पिक करें, ठीक है, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन अगर है, वैसे तो सारे क्वेश्चन जो 15 के 15 क्वेश्चन है कैलकुलेशन नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, बट ये एक गुंजाइश है, अगर आप फंस गए कहीं तो उसको छोड़ें और आगे देखें, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि आप जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और कम से कम लिखें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में कैलकुलेट करें चीज़ों को, उसके बाद अगर लगता है कुछ लिखने का तो उनको लिखें, देन फिर सॉल्व करें। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।